एक्चुअली 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रहा फेयरली बेटर रहा, इन अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया। सबसे अधिक वर्षा जो है पुरी में अस्ट्रांग में 84 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो तापमान है केंद्रपाड़ा का 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर का 34.2 और कटक का 32.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर बात करें सीजनल रेनफॉल की, 1 जून से लेकर अभी 9 अगस्त तक जो क्यूमुलेटिव एक्चुअल रेनफॉल है वो है 621.8 मिलीमीटर, जो कि सामान्य से अभी भी 7% नीचे चल रही है। अभी भी 9 डिस्ट्रिक्ट जो है डेफिशिएंसी कैटेगरी में पड़े हुए हैं। अब बात सिस्टम की, जो मानसून ट्रफ है वो अभी पास के बीकानेर, शिवपुरी, सिद्धि, गाडरगढ़, दीघा और वहाँ से साउथ ईस्टर्न होते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक जा रही है और ये समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे है। इसके अलावा ये जो सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पे और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर जो सर्कुलेशन बनी है उसके थ्रू होती हुई जा रही है। दूसरी जो सर्कुलेशन है वो जो है वेस्ट झारखंड के ऊपर बनी हुई है, जो कि राइज कर रही है साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और नेबरहुड के ऊपर और एक्सटेंड कर रही है 4.5 किलोमीटर वो मीन सी लेवल से। उसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ झारखंड के ऊपर और नेबरहुड के ऊपर बनी हुई है, जो कि 5.8 और 7.6 किलोमीटर हाइट के बीच में बनी हुई है और साउथ और दक्षिण तरफ टिल्ट भी की हुई है। तो इन 3 सिस्टम प्रभाव की वजह से आज और कल यानी 9 और 10 को जो पूरे उड़ीसा में अनेक स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इसी के साथ 11-12 तारीख को जो पूरे उड़ीसा में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद 5, 7, 13, 14, 15 3 दिन तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेयरली वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इनका अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बड़े होने की संभावना है। इसी तरह देवबंद में सुंदरगढ़, झारसुगढ़, संबलपुर, देवगढ़, क्योंझर ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 10 तारीख को झारसुगढ़, सुंदरगढ़ में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद 13 तारीख को 3-4 डे में वार्निंग नहीं है। उसके बाद 13 तारीख को डे 5 में सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।